तुम्हें तलाक दे रही हूँ। तलाक दे रही हूँ? क्यों जाने मन, चाय ठीक नहीं बनी है क्या? मैं इतनी छोटी सी बात के लिए तलाक नहीं देती हूँ। उस दिन दाल में थोड़ा घी ज्यादा पड़ गया था तो कोर्ट का नोटिस भेज दिया था। बट अब कोश, मैं एक हीरोइन हूँ, मुझे ख्याल रखना पड़ता है अपने वेट का। लेकिन मैं एक इंडियन हीरोइन हूँ, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण भारतीय नारी। मैडम, भारतीय नारी कभी तलाक नहीं देती, उसे तलाक दिया जाता है। लेकिन मैं एक मॉडर्न भारतीय नारी हूँ। मॉडर्न भारतीय नारी कभी शादी करने की गलती करती ही नहीं है। तो ये समझ लो, मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। लेकिन चंद्रो, क्यों? मेरा अपराध क्या है? तुम एक जनाना किस्म के मर्द हो। मैं? चंद्रो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? हाँ, तुम पे ही लगा रही हूँ। मैं एक जनाना किस्म का मर्द हूँ? हाँ, तुम ही हो। ओह माय गॉड, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? उस दिन जब चोर घुस आया था हमारे घर पर, तो तुम पलंग के नीचे घुस गए थे। इसका मतलब ये हुआ मैं डरपोक किस्म का मर्द हूँ, इसमें जनाना कहाँ हुआ? उस दिन गाड़ी में से एक गुंडे ने हाथ डाला और मेरा नेकलेस निकाल के ले गया, तुम कुछ नहीं बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक खामोश किस्म का मर्द हूँ। चुप रहो, मैं ठोकर खा के गिरी, तुमने मुझे गोद में उठाने के बजाय कुली कुली चिल्लाना शुरू कर दिया। कम ऑन चंद्रो, अब भारी सामान गिरेगा तो उसके लिए कुली बुलाना ही पड़ेगा ना। मैं भारी सामान हूँ। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बैग और सूटकेस गिर गए थे। मुझे चार आदमी को और बुलाना पड़ेगा। क्यों? चंदू को ऊपर उठाने के लिए। जा जा बिल्ले, तू कौन सा अपनी बीवी को गोद में उठा सकता है? हाँ तो, कोई अपनी बीवी को गोद में उठाता है क्या? देखा चंदू, बिल्लू ने कैसा मर्दों वाला जवाब दिया है। मर्दों वाला जवाब दिया है? तुमको तो मेरे अलावा दुनिया के सारे लुक्खे मर्द ही नजर आते हैं।